हेलो दोस्तों एंड ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस एपिसोड के साथ। आज के इस एपिसोड में हम देखेंगे निफ्टी बैंक निफ्टी और फाइनली एंड कंक्लूजन निकालते हैं कब और किन लेवल्स के अंदर कल हम लोग सेलिंग कर सकते हैं। एक बार कल की एनालिसिस हम लोग खुद से रिकॉल करते हैं। कल हमने डिस्कस किया था कि कैसे यहाँ पे एम पैटर्न बनने की एक यहाँ पे पॉसिबिलिटी है, तो ये एक अच्छी ट्रेड बन सकती थी। यहाँ से यार ट्रेड हमने ली थी, दूसरी ट्रेड फाइव मिनट टाइम फ्रेम पे आज शॉर्ट्स का वो भी बताया था। दूसरी डेट इसी के अंदर हम लोग चाहते थे पोजीशन ऐड कर सकते थे, यार जो लोग इन लेवल्स पे नहीं खरीद पाए थे वो लोग यहाँ पे इन लेवल्स पे थोड़ा पोजीशन ऐड करके यहाँ तक के अपने टारगेट दे सकते थे और लेवल्स के, तो यहाँ पे कुछ ऐसा मिला। फिर दूसरा डेट देखेंगे, तीसरा डेट यहाँ पे एक कप एंड हैंडल बना था, इसको हम लोग बाइंग कर सकते थे। इसके अंदर भी सेलिंग अपॉर्चुनिटी हम लोग को, मतलब सेलिंग अपॉर्चुनिटी नहीं कहेंगे या तो कह सकते हैं इसका यहाँ पे सेलिंग अपॉर्चुनिटी भी थी और तो और यहाँ से एग्जिट करने का साइन भी था। वो क्यों कह रहे हैं क्योंकि 5 EMA से यहाँ पे गैप मिल रहा था हम लोग को। 5 EMA पे अगर डिविएट करते हैं, 5 EMA कैसे हम लोग डिसाइड करते हैं, जब किसी ग्रीन कैंडल का जो लो है वो 5 EMA से दूर जाके क्लोज हो। यहाँ देखेंगे थोड़ा सा ये जो डिविएशन है 5 EMA के ऊपर जो क्लोजिंग हुई है और इसका लो देखेंगे तो 5 EMA से ऊपर है, इसके ऊपर नेक्स्ट कैंडल अगर इसके नीचे क्लोजिंग मिलती है तो यहाँ पे हम लोग सेल कर सकते हैं इनके हाई का स्टॉप लॉस लगा के। तो यहाँ पे एक अपॉर्चुनिटी मिली थी हम लोग को सेलिंग की या कह सकते हैं लेवल से एग्जिट करने की। इसके बाद देखेंगे एक अच्छा खासा हम लोग को फॉल मिला यहाँ पे। और अब बात करते हैं बाकी कल क्या करना है। और आखिरी एक चीज़ और बात कर लेते हैं कि कल एक चीज़ और डिस्कस किया था कि मार्केट एक बार इतना, मतलब एक बार रैली यहाँ से किया है तो यहाँ पे लेवल्स के आसपास कंसोलिडेट भी कर सकता है, फिर यहाँ से ऊपर भी जा सकता है, यहाँ से नीचे भी जा सकता है। नीचे जाने के लिए थोड़ा सा मतलब एक बार रिवर्स या तो यहाँ से क्या कहते हैं रिटेस्ट करेगा या तो जो भी करेगा टाइम स्पेंड करके नीचे गया, दोनों ऑलमोस्ट सेम चीज है। जैसे भी होगा नीचे जाकर वैसे भी जाता है तो हम लोग तैयार रहेंगे उस केस में भी। तो वैसा ही कुछ हुआ, मतलब कल के एनालिसिस हम लोग कह सकते हैं थोड़ा एक्यूरेसी के साथ ज्यादा काम आ जाए। तो अब कल की बात करें तो कल की हम लोग का सिंपल एक चीज़ हम लोग को ध्यान रखना है, इन लेवल्स के आसपास अगर मार्केट खुलता है तो अगर गैप अप मान लेते हैं इन लेवल्स के आसपास तो फिर से हम लोग को सेलिंग की अपॉर्चुनिटी दे सकता है। हालांकि इतने खुले हाथों से बार बार वेलकम करती रही मार्केट हमारा कि आओ बेच दो, बट फिर भी अगर मानते हैं कि खुल जाता है इस लेवल के आसपास, इन लेवल के आसपास दोबारा, तो एक हम लोग फिर से इस लेवल का स्टॉप लॉस लगा के ये वाले टारगेट के लिए पहला, फिर अगर इसके नीचे भी क्लियरेंस हो जाती है या थोड़ा कंसोलिडेट करके दोबारा नीचे क्लोजिंग मिलती है तो दूसरा इस वाले स्विंग तक का हम लोग ईजिली एक फिर से हम लोग यहाँ तक का सेलिंग कर सकते हैं। फाइनली देखेंगे तो यहाँ से अगर गैप अप खुलती है तो यहाँ से यहाँ तक हम लोग सेलिंग कर सकते हैं। डिपेंड करता है, बीच में हो सकता है कुछ टाइम तक हम लोग विजिट किए रहे, डिपेंड करता है कि डायरेक्टली आ जाए, अभी उसका हम लोग पता नहीं लगा सकते, मार्केट खुलेगी तब पता चलेगा। अब बात करते हैं बहुत बड़ा गैप डाउन खुल गया तो बहुत बड़ा गैप डाउन के अंदर थोड़ा सा एक पुल बैक पॉसिबल है, क्यों कह रहे हैं वो भी ऐसा क्योंकि यहाँ पे देखेंगे निफ्टी थोड़ा सा एक मतलब लोअर लोज और लोअर हाइज का फॉर्मेशन लगातार कर रही है। डेली कैंडल वाइज भी अगर देखेंगे तो थोड़ी सी नेगेटिव है, ये देखेंगे एक हाई फिर यहाँ से नीचे हाई फिर यहाँ पे और लोअर हाई, तो यहाँ पे देखेंगे लोअर हाइज और लोअर लोज कंटिन्यू वे में फॉर्म कर रही है। तो यहाँ से जब सेलिंग आएगी तो कुछ लेवल तक यहाँ तक आ सकती है, अगर मान लेते हैं कैप डाउन ही खुल जाता है यहाँ के आसपास, थोड़ा सा कैप अप मतलब थोड़ा सा पुल बैक पॉसिबल है, फिर वहाँ से डायरेक्ट नीचे जाए क्योंकि कैप डाउन खुलने के बाद इतना एक स्ट्रेच में नहीं जा पाएगा नीचे। तो थोड़ा सा अगर बहुत बड़ा गैप अप खुल जाता है इन लेवल से बहुत बड़ा गैप अप खुल जाता है तो एक पुल बैक पॉसिबल है, उसकी भी तैयारी हम लोग करके बैठेंगे। कुछ लेवल जो इम्पोर्टेंट हो गए एक बार, लेकिन डेली के हिसाब से फिर भी हम लोग मार्क कर सकते हैं कि आने वाले समय में अगर मार्केट पीछे आती है यहाँ से इन लेवल से पुल बैक दोबारा नहीं लेती है तो आने वाले समय में इन लेवल तक हम लोग देख सकते हैं कि मार्केट आ सकती है। एक तो ये हो गया, दूसरा इम्पोर्टेंट जो हो गया वो इसके टॉप पे है, इसके टॉप पे यहाँ से अगर मैं वही चीज़ कह रहा हूँ गैप डाउन खुल भी जाता है तो पॉसिबल है कि एक पुल बैक ले। और अब बात कर लेते हैं गैप अप की, मान लेते हैं कि मार्केट पॉजिटिव खुल जाती है तो बड़े एचडीएफ देख लेते हैं, तो थोड़ा सा अब मान लेते हैं बहुत बड़ा गैप अप खुल जाता है तो बाइंग के सिनेरियो के अंदर हम काम कर सकते हैं। बाइंग के सिनेरियो के अंदर
इन लेवल्स के ऊपर अगर जाता है तभी हम लोग बाइंग कर सकेंगे, नहीं तो अभी देखेंगे तो अगर थोड़ा सा गैप अप इन लेवल्स को खुलता है, इन लेवल्स का अगर गैप अप खुलता है तो थोड़ा सा यहाँ पर कंसोलिडेट या वॉलेटिलिटी हम लोग एक उम्मीद कर सकते हैं कि थोड़ा सा मार्केट एक केस के अंदर वॉलेटाइल होने के बाद जो इसके इधर यहाँ से ब्रेकआउट देगा तभी हम लोग ट्रेड करेंगे अपसाइड के लिए। अपसाइड के टारगेट हमारे ये होगा, ठीक ये वाली बात भी समझ में आ गई होगी। वॉलेटाइल किस केस में होता है धीमे धीमे आप लोगों को ये भी समझ में आने लगा होगा किन किन केस में अक्सर जब हम लोग बात करते हैं कि वॉलेटाइल होगी मार्केट तो वॉलेटाइल केस में रहती है, तो वाली सिचुएशन से थोड़ी बहुत समझ में आने लगी होगी। तो अगर इसको जाना भी ऊपर तो यहाँ से ऊपर आएगा, लेवल्स को कंसोलिडेट करेगा या इन लेवल्स को कंसोलिडेट करेगा फिर ब्रेकआउट देगा, तब हम लोग अच्छी बाइंग करेंगे, तब उसके बाद हम लोग को एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल पाएगी बाइंग करने के लिए। हालांकि ये बहुत ही फिर से कहेंगे कि फार फेच्ड थॉट है ये, इसको करने में एक हफ्ता लग जाएगा, ये दो दिन में ये काम नहीं कर रहा है, अच्छा तीन दिन बचे ही हैं ऐसे बात करेंगे, दो तीन दिन जितना भी। तो गैप अप को सिनेरियो डिस्कस कर लिया, गैप डाउन को सिनेरियो डिस्कस कर लिया, दोबारा यहाँ पे डिस्कस कर लिया अगर इधर खुलती मार्केट को दोबारा कैसे हम लोगों को सेलिंग की अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। अब आते हैं बैंक निफ्टी में, बैंक निफ्टी देखेंगे तो बैंक निफ्टी थोड़ी हम लोग इसके अंदर डिस्कस किया था कि फ्लैट खुलेगा तो फ्लैट के अंदर इसके अंदर भी ऐसे ही सेलिंग कर सकते हैं, फिर यहाँ से देखेंगे यहाँ तक हम लोग टारगेट मिला, फिर देखेंगे पूरे दिन एक ही लेवल तो कंसोलिडेट किया, यहाँ पे ज़्यादा फेक आउट्स या कह सकते हो वॉलेटिलिटी नहीं थी, सिंपल एक लेवल के अंदर कंसोलिडेट किया, फिर एट दी एंड क्या किया यहाँ से ब्रेक डाउन दिया। तो बैंक निफ्टी देखेंगे कहीं हद तक निफ्टी से ज़्यादा क्लियरिटी है इसके अंदर, तो मान लेते हैं कि अगर कंटिन्यू करता है गिरना यहाँ से, निफ्टी की भी बात करते हैं अगर कंटिन्यू करते हैं फ्लैट खुलता है तो फ्लैट खुलता है तो गिरने के चांसेस ज़्यादा है इसे, फ्लैट खुलने के बाद अगर मानते हैं कि यहाँ से नीचे आना स्टार्ट कर देता है कोई पैटर्न बना लेता है तब हम लोग क्या करेंगे निफ्टी से ज़्यादा बैंक निफ्टी को प्रेफर करेंगे, अगर फॉर्मेशन बेरिश रही निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों के अंदर तो निफ्टी में से बैंक निफ्टी में से क्यों कह रहे हैं, बैंक निफ्टी अगर इस तरह के नीचे खुलेगा ना तो हम लोग बहुत ही यहाँ कह सकते हैं कि अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल सकती है यहाँ पे स्टॉप लॉस लगा के, पूरा दिन फिर हम लोग देखेंगे कहाँ तक जाते हैं, डे एंड तक भी स्क्वायर ऑफ कर सकते हैं 3 बजे 2 बजे तक, क्योंकि उसके अंदर फिर हम लोग को ज़्यादा देर मतलब अगर एक गैप अप थोड़ा मतलब कहते हैं गैप या कह सकते हैं अर्ली अगर स्टार्ट मिल गया ना तो हम पूरे डे तक भी बैठ सकते हैं। आज ही की बात हम लोग कंसिडर करें अगर हम लोग यहाँ पे एंट्री कर लेते हैं शुरुआत में, अगर एंट्री कर लेते हैं शुरुआत में उसके बाद स्क्वायर ऑफ करने की जरूरत ना पड़ती हम लोग को पूरे दिन, ईजिली पैटर्न समझ में आ रहा है, दूर से देखने पर आराम से समझ में आता है कि ये पैटर्न हायर हाई और हायर लोस का ही है। डे देखेंगे तो डे हम लोग का पूरा बेरिश के अंदर ही दिखता है, भले ही थोड़ा बहुत इधर उधर देखेंगे तो वॉलेटिलिटी थी, बट एक बार अगर गैप स्टार्ट मिल जाता है ना तो वो हम लोग के लिए थोड़ा सा गैप स्टार्ट या अर्ली स्टार्ट तो वो थोड़ा सा हम लोग को ज़्यादा काम आता है, तो एक बार एक वो पुश अगर मिल जाता है तो डे के अंदर फिर अच्छा प्रॉफिट हम लोग कमा सकते हैं बैठ के, फिर स्कैल्पिंग करने की उतनी बार बार जरूरत नहीं पड़ती, एक बार अगर बैठ जाते हैं पहले से तो खैर इतना आसान काम भी नहीं है बैठना, तो कभी कभी प्रॉफिट देना भी पड़ता है इस केस के अंदर घूम के क्योंकि वापस हो जाती है, तो उसकी बात भी करेंगे कब ऐसे सिचुएशन में निकलना चाहिए कब कहाँ कैसे स्टॉप लॉस लगाना चाहिए, बट अभी बात करेंगे तो अगर हम लोग को यहाँ पे देखेंगे कि अगर इन लेवल्स के पास खुल रहा है एग्जाम एग्जैक्ट यहाँ पे अगर 20-25 पॉइंट का ऐसा मिलती है हम लोगों पर, अगर ऐसा केस होता है तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे इसी यहीं पे ऐसा लगा के ट्रेड लेके बैठ जाएंगे। टारगेट्स हम लोग सिंपल इन लेवल्स के ले सकते हैं, दूसरा टारगेट हम लोग ये वाले लेवल्स के फ्लैट की बात कर रहे हैं, तो अब मान लेते हैं गैप अप खुलना है गैप डाउन खुल जाता है इन लेवल्स के आसपास, तो गैप डाउन इन लेवल्स के आसपास खुलता है तो यहाँ सिंपली सपोर्ट है, हम लोग को वेट करना है या तो सपोर्ट के ऊपर कंसोलिडेट करके दोबारा ऊपर चले जाए पुल बैक मिल जाए, दूसरा केस ये हो सकता है कि इस लेवल पे थोड़ा सा कंसोलिडेट करके डायरेक्टली नीचे क्लोजिंग मिल जाए, नीचे क्लोजिंग मिल जाती है तो हम लोग फिर ये वाले लेवल के लिए कंसिडर करेंगे सेलिंग के लिए, इन वाले लेवल्स को भी इंक्लूड कर लेते हैं जस्ट इन केस बहुत बड़ा गैप डाउन खुल के कंटिन्यू ही कर जाए नीचे तो क्या होगा हम लोग फिर नीचे की तरफ ट्रेड लेंगे। निफ्टी चार्ट देख चुके हैं, हाँ डेली चार्ट भी देख चुके हैं, तो इन लेवल से थोड़ा सा यहाँ से थोड़ा सा ये वाले लेवल्स तक आ सकती है बहुत ईजिली, तो ये वाले लेवल्स का जो मतलब डाउन साइड है वो लोग मार्केट के चल रहे हैं, लेकिन मार्क गया बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है बट यहाँ से देखना यहाँ लेवल्स को भी कंसिडर कर सकते हैं। बैंक निफ्टी में एक बार डेली चार्ट में देख लेते हैं, इनका मतलब नीचे वाला लेवल थोड़ा क्लियरली मार्क है इस केस के अंदर, बैंक निफ्टी के अंदर निफ्टी के अंदर थोड़ा सा इतना नहीं है 15 मिनट्स के अंदर नहीं दे रहा क्लियर बट उसमें भी कोई टेंशन की बात नहीं है,
बैंक निफ्टी में ट्रेड नहीं मिल रही है, बैंक निफ्टी में घट जैसा जहाँ जो इजीली हम लोग को ट्रेड मिले। पर यहाँ पे देखेंगे थोड़ा इन लेवल के नीचे हम लोग को अच्छी सेलिंग की अपॉर्चुनिटी मिल भी सकती है, क्योंकि यहाँ पे हम लोग का पॉज है। यहाँ पॉज के बाद अगर हम लोग को इसके नीचे अगर सेलिंग मिलेगी तो हम लोग इजिली इसको कैच कर पाएंगे। हालांकि थोड़ा सा ये रेजिस्टेंस जोन है ये वाला, बट इन लेवल्स के नीचे ये दो टारगेट जो हम लोग आज कल डिस्कस कर रहे, आज के लिए जो डिस्कस कर रहे हैं ये दो टारगेट्स, वो दोनों हम लोग इजिली अचीव कर पाएंगे। बट उसके लिए थोड़ा सा ओपनिंग अच्छी मिल जाए हम लोग को तो ज़्यादा हम लोग के लिए बेटर रहेगा। इसी के साथ चलते हैं, मिलेंगे अगले वीडियो में। एक मिनट बाइंग की बात नहीं की शायद, तो बाइंग के अंदर भी इसमें देखो निफ्टी तो थोड़ी ज़्यादा सिंपलिसिटी है इसके अंदर, अगर इसके ऊपर ओपन होता है तो इन टारगेट्स के लिए हम लोग सिंपल बाई कर सकते हैं, इन टारगेट्स के लिए बाई कर सकते हैं। पर अगर गैप अप खुले या लेवल्स घुस के यहाँ पे कंसोलिडेट करके तब ऊपर जाए, डायरेक्टली ऊपर जाएगा तो थोड़ा मतलब उस केस के अंदर शायद हम बाइंग ना करें उस केस में, क्योंकि थोड़ा सा कॉन्फिडेंस नहीं मिलेगा, कन्विक्शन नहीं मिलेगा बैठने का अचानक, क्योंकि क्लोजिंग बेरिश हुई है। या तो यहाँ पे खुल के तुरंत हम लोग को ब्रेकआउट दे दे, अगर या तो फ्लैट खुलता है या इन लेवल्स खुलता है तो हमको थोड़ा सा कंसोलिडेशन चाहिए, नहीं तो उसके अलावा ट्रेड नहीं करते हैं यहाँ पर। और ये दो टारगेट की जो बात कर रहे थे वो ही ये है, यहाँ तक थोड़ा सा हम लोग ईजिली दे सकते हैं। यहाँ के अंदर देखेंगे थोड़ा सा 15 मिनट्स के अंदर इतना चौकी नहीं पता चल रहा है, बट डेली के अंदर थोड़ा सा लग रहा है तो, लेकिन फिर भी बात करें तो ये दोनों टारगेट्स हम लोग ईजिली अचीव कर सकते हैं। बाकी कल देखेंगे क्या होगा, तब तक के लिए चलते हैं, मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय। अपना कैपिटल चाहिए।